हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुषमा क्रिएटिव गार्डन में। फ्रेंड्स, अभी ये खूबसूरत सा पौधा जो आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसे मैंने बीज से ग्रो किया है और ये केस फ्लावर्स का प्लांट है। आज मैं यही आपको बताऊंगी। परमानेंट प्लांट भी ये एक तरह से होता है। एक बार अगर इसे आप अपने गार्डन में लगा लोगे तो हमेशा बना रहता है और फ्लावरिंग भी इसमें कंटिन्यू होती है, सर्दियों में भी होती रहेगी। बहुत कम टाइम के लिए ये प्लांट डोरमेंसी में जाता है। साथ ही इसमें बहुत सारे कलर्स भी मिलेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। और लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, इजी मेंटेन, बहुत कम केयर में ये अपने गार्डन में चलते रहता है और फ्लावर्स भी इस पर कंटिन्यू आते रहते हैं। इसे पानी की कम ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र की भी कम ज़रूरत होती है और कंटिन्यू फ्लावरिंग करता है ये पौधा। तो इस पौधे को हर कोई लगाना चाहेगा अपने गार्डन में, जो बिना मेहनत के हमें लगातार फ्लावर्स देते रहे, गार्डन को खूबसूरत बनाता है। और साथ ही इसके साथ इस पॉट में मेरा ये टर्टल वाइन भी लगा हुआ है। ये दो पौधे एक साथ आराम से चल जाने वाले हैं। टर्टल वाइन जो है ये हैंगिंग प्लांट्स है और इनके रूट बहुत डीप नहीं जाते हैं, तो इनको भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ईजी केयर में ये चल जाते हैं, ईजी मेंटेन। तो ये पौधा और इस फ्लावर प्लांट को मैंने एक साथ लगाया है। एक साथ इसमें और भी पौधे थे, ये अभी कुछ प्लांट्स मैंने निकाल करके अपने फ्रेंड को शेयर किया है और दो प्लांट्स इसमें हैं जिसको मुझे फिर से अलग करके दो पॉट में लगाना है। तो एक तो इसी पॉट में रहने देना है और दूसरे को मुझे दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, और मुझे ये देखिए पॉट मैंने तैयार कर रखी है। इसमें मिट्टी, सूखी हुई पत्तियाँ, खाद, सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो इसके लिए मैं ये स्पॉट को तैयार करके रखी हूँ और मुझे ये पौधा लगाना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो मैंने इस पौधे का नाम नहीं बताया है। ये है फोर ओ क्लॉक। फोर ओ क्लॉक ये शाम को खिलता है और दूसरे दिन पूरे दिन ये फ्लावर्स खिला रहता है। बहुत इजी केयर है इस पौधे की, बहुत कम केयर करनी पड़ती है। कम केयर के साथ ये चलता है और फ्लावर्स भी बने रहते हैं। शाम को खिलेंगे आज तो कल दोपहर, दोपहर के बाद भी दो ढाई बजे तक इसमें फ्लावर्स बना रहता है। बहुत ही सुंदर लगता है। तो आपको हमेशा ही इस पौधे पे फ्लावर्स खिले मिलेंगे। बहुत कम केयर में चलने वाला ये पौधा है। एक बार इसमें मिट्टी अच्छे से तैयार कर लें, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, भुरभुरी हल्की बनाए मिट्टी, जिससे कि पौधा का रूट डेवलप हो काफ़ी अच्छे से। और पानी भी इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। गर्मियों में तो ऐसे हर पौधे को एक बार पानी देना ही होता है। तो कम पानी, कम फर्टिलाइज़र के साथ ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। फोर ओ क्लॉक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स इस पे आते हैं। शाम के टाइम समय ये खिलता है और फिर दूसरे दिन नेक्स्ट डे फिर से इसमें नए फ्लावर्स आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में इसको ऐड कीजिए। एक पौधा अगर लगा लेते हैं तो ये कभी मरता नहीं है। अगर इसकी कटिंग भी कर दें पूरी तो फिर से नए ब्रांच आ जाते हैं। सर्दियों में डोरमेंसी में जाता है लेकिन फिर से इसमें नए नए ब्रांच आने लगते हैं। और साथ ही इसमें जो फ्लावर्स खिलते हैं उसी में इसका बीज बनता है और उन बीजों से नए नए पौधे बनते रहते हैं। तो आपको एक पौधे से फिर अनेक पौधे मिल जाएंगे। तो इस तरह से इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। मैंने इनको बीज से ही उगाया है। इनके फ्लावर्स में जो सीड बनते हैं उसी से मैंने इसे उगाया है फ्रेंड्स। इसे बहुत सारे पौधे मैंने उगाए थे लेकिन कुछ पौधों को मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की है और ये दो प्लांट्स मैं अपने गार्डन में रख रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।